उससे कहना कि अली मसूद और बुलबुल चाहिए। कुर्दोगलों को ये भी कहना कि अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। और ये भी बताना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है। जल्दी कर दी कर दी जिरगा शुरू होने से पहले औताक में खबर पहुंचानी। चलो जाओ चलो जाओ। वो तुम्हारा अपना खून थी, वही गंगा खून थी, मर गई। लेकिन तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे। कार्डिनल थॉमस के साथ उस तुम दुनिया चले जाओ, वरना इस अधूरा की तरह मरना होगा। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लो। चलो देखते हैं तेरी जान, कब तक हमारे काम नहीं मानोगे। हर चाल चलेगा जिरगे। कोई नहीं चाहता जिरगे में कोई ज्यादती हो। भाई
यकीनन हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान बचाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही हमारी रिवायत है, बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया। अल्लाह अल्लाह हमारे नबी ने बड़ी करम फरमाया। यहाँ बैठे बैठे इसके हाथ टूट जाए, इस नूर गुंबद साज की समझ नहीं आई है वह सुल्तान। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए, खुदा गारत करे इसे। ठीक थी मैं, मुझे कुछ नहीं, बस वो शमास खातून थी फसाद की जड़। क्या कह रही है? सही 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 बताओ। चल चल, अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। क्या गलत करूं मरने वाले की, छोड़ छोड़ ऐसे कैसे छोड़ू मैं, खोल कर बताओ मुझे। वो बहुत ही चालाक औरत थी अलीमा सुल्तान, अल्पाकों ने बेचारी रोशनी खातून ऐसी जगह खंजर मारा था कि वो आईदा कभी मारी नहीं कर सकती थी, मगर शहनाज फिर भी अर्तुगरुल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। मेरी जबान बंद रखने के लिए बहुत सी अशर्फियां थी मुझे, मैं भी इस वक्त लालच में आ गया। बस बस फिर वो बच्चे का मसला, कैसा मसला बच्चे का? मुझे तो शहनाज खातून के उम्मीद से होने पर हमेशा शुभा रहा, फिर उसने बच्चा मारने के नाम पर शालिना को कोड़े मारे। चले चले, अल्लाह गुनाह बख्श दे उसके, अच्छा नहीं चलती। अब ऐसे गुनाहगार पड़ाव पड़ाव जहाँ मेरे जैसे चंद अशर्फियों में बिक जाने वाले रहते हो हलीमा सुल्तान, वहां सुकून नहीं होता। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। कुर्दोगलों के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने इस पर सोचा है, वो समझ रहा है आप सब मर चुके हैं, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदों से बात कर ली है, सिपाहियों से, बेफिक्र हो जाओ, मैं वहां अकेला नहीं रहूंगा। नूरगुल भी जरगे के वक्त औता के नजदीक ही मौजूद होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिए। अल्लाह की अमान में दिया। उमर को ठीक वक्त पर भेजा, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। कहां का इरादा है? कबीले हक वापस छीने जा रहा हूं। तुम अल्लाह की राह पर हो फर्जंद, और अल्लाह अपनी राह पर चलने वालों की मदद फरमाता है। अगर हम शहीद भी हो जाएं तो फतह अल्लाह ही की है इंशाअल्लाह।
लेमो से बात में कुछ बताया था नहीं बनाई बना मगर चल बताए मेरी बात गौर से सुन लोगों को हलीम सुल्तान की जबान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सीखा है मुझे तुम उसे लेकर थोड़ा घूमने निकले हो जाओ जाओ जो अब जो पहले खुद को माफी के लायक बनाना होता है कैसे बेटी बेटी अगर माफी के लायक बनना चाहती होती तो पहले पल पल सफाई करना होगी और पल पल झूठ गरी गरी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि रब जमीन और आसमानों की वसत नहीं समा सकता लेकिन एक बंदे के पल पल समा जाता जाता जो मुझे होता है इसी वजह से हमारा पल पल है ये मकाम औलाद आदम का सबसे बड़ा खजीना है मेरी बच्ची अगर चाहती हो तुम्हें बख्श दिया जाए तो हजरत खदीजे जैसी बन जाओ حضرت خدیجہ وہ ہیں جو اسلام پھیلنے کے اولین دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمام مشرکین کے خلاف ثابت قدم رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو آپ کی دل جوئی فرمائی اپنی تمام دور تبلیغ دین کی راہ میں صرف کرتی رہی انسانوں میں سب سے پہلے پہلے مان لائی جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے ہر طرح سے ان کی مدد کی اور اللہ کا عظیم کرم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اولاد نصیب فرمائی تو یہ سب سے بہتر ہے کہ مسلمان عورت حضرت خدیجہ کی طریقے پر چلے جائے
गया है मेरे आका, आने तो देखते हैं। बिल्कुल सही कहा शाह मुराद, सबको अपना बोया काटना होगा। कयामत में हर शख्स अपना हिसाब देना होगा। ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हें और दौलो सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین۔ السلام علیکم بھائی، اللہ صبر عطا فرمائے۔ Thank you.
तो जिरगे में तुम मेरा एहतसाब करना चाहते हो अर्दवन? तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शामुराद, उसके मुताबिक आज अपना बोया काटने का दिन। तुम्हें इस वक्त बाबा की मौत का सदमा है, ये भी लिहाज नहीं करूंगा। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हद में रहो। न कबीले में, न औताक में, न इस जिरगे में, न दूर तक फैली चरखेज चरागाहों में अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान जान। सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से और तुम्हारे मारे बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं। लेकिन अगर हद से बाहर हुए तुमने तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मारूंगा तुम्हें। तुम्हारा हम बड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इल्म और ज़ीन का अगर जरा भी एहतराम बाकी है तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। तुम्हारे खानदान को जिरगे जिरगे से कबीला बदल किया गया, उन्हें खुशनूश के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भाई ने जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बखावखा रास्ता अपनाया। अल्लाह अपनी बेग बना रहमत रखे। अब तुम्हें जो कहना है कैसे कैसे उसके बाद जिसका जो भी फैसला करेगा मानना होगा। यानी तुम मेरे खानदान को कबीला बदलने के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा 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 अब मुझे जरखरी सिपाहियों से मरवाना चाहते हो? कुर्दोगड़ो किस किस्म की बात है जिनके में ये सुने के बैठ कर बहुत हो गया मेरे आप, जिनके पर इस गैरत का भुगतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब के कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की तो इसे बोलने दो भाइयों, शामुराद अगर जिरगे अल्लाह का इंसान जमीन पर कायम करने का मकाम है तो अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार के अवतार ना जिरगे ऐसे गलीज इल्जाम लगाने की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है अर्तगल। गुस्साखी की तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। मैं तो समझता हूँ कि तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कर दोगलो। मेरी नजर में तो तुम बस इस कबीले में एक बदनुमा डाक, ये कोई अफसाना नहीं हकीकत। और ये साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं। आप मौजूदीन से उन गवाहों को औताक में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी कि जिरगे में तीन लोग कम है। उन्होंने शरीक होने से माजरत कर ली थी।
से पड़ा ठीक है। ठीक है, तुम प्यार को फिर से इस तरह साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। नूरपुर भाई 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 क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? कबीले जाने जा रहे हैं। उठो 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 जाओ फोड़ फोड़। जाओ मेरे जाओ मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पीछे तो यहाँ काफी गड़बड़ हो गई है सरदार। अच्छा बताओ भतीजे, तुम्हारे गवाह किस बात की गवाही देंगे? कारा तोयगर के साथ मिलकर कारवान पर हमला करवाने की गवाही को दो। हमारे 15 जवान शहीद करवाने वाले। सलेबियों के साथ गठजोड़ करके कबीले पर तरह तरह की मुसीबतें नाजिल करवाने की गवाही को दो। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। क्या कह रहा है? खुदाया बस बस तू ही सरदार और कितना। और किले में बार बार जाकर सलेबियों के अंताकी उस्ताद पेत्रो चोमांजीनी के साथ काम करने की गवाही भी देंगे। ये तो वाह 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 बहुत ही कोई बाकमाल गवाह है मेरे दखल के पास। बिल्कुल तुम्हारी गद्दारी ना सिर्फ खुद देखने बल्कि साथ काम करने वाले गवाहों को डोगलो। उस्ताद मानजीनी से जो अशर्फियां मिली थी तुम्हें उनसे कबीले में किस किस को खरीदा इसकी भी गवाही है। कबीले में मौजूद हर सर खरीद का नाम एक एक करके बताएंगे। नाम बताओ गवाह। नूरगुल है पहला गवाह। नूरगुल और तुमने मिलकर कबीला बदरी के लिए ले जाने वाले सिपाहियों को जो बेगुनाह कत्ल किया वो मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे ख्याल में क्या कहने तुम्हारे? तुमने कुर्दोगल को इतना बेखबर समझा है? उन लोगों ने अपनी दानिश में मेरे लिए जाल बिछाया, हलीमा सुल्तान को भी साथ मिला लिया। न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए, हर तरह बदनाम करने की कोशिश की, मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि उनके लिए जल्लाद साबित होगा मैं। अब कबीला बदरी बदरी नहीं होगी, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तहल तहल एक को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं। दुनिया के आखिर कोने पर भी चले जाऊंगा फिर भी तुम सबको चुन चुन कर मार दूंगा। सिपाहियों आयो आयो पकड़ लो इसे।
किया तुमने, तो यही गर्दन उड़ा दूंगा। बोलो कोदोगलो। भाइयों, सब झूठ है, सरासर बहुतान है, डरो मत भाइयों, ये सब झूठ है। कोदोगलो, हक आ जाए तो बातिल फना हो जाता है। नूरगुल, हुक्म कीजिए पीछे सुलेमान शाह को खबर कराओ कि वो तशरीफ लाए और ताक को रोना रोकशे। अभी करवा करवा है। इंशाल्लाह ये बाइज़त और ताक आइंदा कभी ऐसा मंजर नहीं देखेगा। कसम खाकर जिस जिहाद के रास्ते पर निकला हूं उस पर हजरत हजर मेरे हम रकाब और हजरत अली मेरे इमाम। बेशक जुल्फकार से छीना कोई तलवार है ना दुलदुल से बेहतर कोई राहवा। हम गाजी हो या शहीद अल्लाह की है।
रहन दो मन। गद्दारों पर रहम नहीं किया जाता पुरतोड़ दो। चलाकर सजा दी जाएगी और ताक के सामने ऐलान करवाया जाए ताकि कबीले पर ऐसी रसवाई मुसलत करने वालों का नाम हमेशा के लिए इबरत बन जाए। हम इस गद्दार के साथ नहीं थे मेरे अमीर, लेकिन मसलहत के तहत मुखालफत के बजाय खामोशी अख्तियार हमें माफ कर दीजिए। इजाजत दो तो आपकी दस्तबूसी करना चाहते हैं। आप बेहद चाहते हैं।